वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संतां जो के परिवार दे ना दुख दी घड़ियां में शामिल होए हो, परिवार वालों आप समूह संतां दा धन्नवाद किया जाता है। तो संतां दे सन्मुख साढ़े समूह इलाके दे सत्कार जो बाबा गुरदेव सिंह जी जो पहुँचे हैं, क्योंकि महापुरशां की संगत भी जिहड़ी है बड़ी लाहेवंद हुंदी है। तो क्योंकि निज प्रेम है संतां दे नाल बाबा जी का, तो बाबा जी हर परिवार दे नाल दुख सुख की घड़ी दे विच आउंदे ने, शामिल होंदे ने, क्योंकि परिवारक माहौल बनिया होया है बाबा जी दे नाल। ते अपने बचना दे राही विछड़ी हुई रूह नूं श्रद्धांजलि स्वरूप बाबा गुरदेव जी भेट करनगे। सो बेनती है बाबा जी नूं कि परिवार दे इन्हां दुखां दे विच कुछ अपने बचना दे राही परिवार नाल दुखां नूं सांझा करनगे। इस तों उपरंत जो है समूह संगतां नूं बेनती है कि गुरु के लंगर भी तैयार हन। सारिया संगतां ने कड़ाह प्रसाद लैण तों उपरंत गुरु के लंगर भी छक के जाना है। गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों परिवार को जो सरोपाओ भी दिता जाना है। सो आओ बाबा जी दे पासों विछड़ी हुई रूह दे निमित्त आपां कुछ जो गल्लां हन विचारां हन वह सरवण करिए जी। सो बेनती प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरशां ते फरशां दे मालिक, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र निघी गोद विच जुड़ बैठी हुई सात संगत जीओ, दासां दी ते अपनी लवावो हाजरी, मुख करो पवित्र गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी एक बेनती है कि गुरमुख प्यारे ने कीर्तन वाले ने काफ़ी कुछ कहता, क्योंकि तुसी दुनियादारी रिश्तेदारी लै करके आए हो, तो मैं दोनों चीज़ां नहीं लैके आया। ना मैं दुनियादारी नाल आया, ना मैं रिश्तेदारी नाल आया, मैं आया हाँ धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दी सेवादारी लैके। सेवा दे नाते मेरा प्यार सत्कार है, क्योंकि तुसी दुनियावी तौर पर सारा कुछ जानते हो, साक संबंधी होया करदे, रिश्तेदारी हुंदी, सब कुछ पता हुंदा। ते मेरा जिहड़ा इस परिवार नाल संबंध है, मेरा संबंध यह है कि मणि जी एक बारी ना मैनू मैडिकल स्टोर तो मैं इत्थे कोई दवा लैन आया मैडिसन, ते ये उत्थे मैडिकल ते बैठा ते मेरे नाल इन्हें गल्लां बातां करदे रहे। मलापड़े जे सुभा दा सीगा ते मैनू इन्हें जफ्फी पा ली। मैं इन्हूं आख्या भी गुरमुखा जे तां प्यार वाली जफ्फी पाउणी है फिर गल भी मन ली, नहीं तां झूठी ना पाई। कहिंदा हुक्म करो, मैं इहदे परिवार बारे सारा कुछ पुछ लिया, तू की करदा कित्थे ड्यूटी करदा, इन्हें सारा कुछ मैनू दस्या। इन्हें जदों सारा कुछ दस्या, मैं 9 बजे ड्यूटी ते जाना, तो मैं क्या गुरमुखा 2.5 घंटे शरीरक तू दसवंद कढ़िया कर। इन्हें मेरी वह बेनती मनते हुए गुरद्वारा सोमा सर साहिब पातशाही 10वें गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र इतिहासक स्थान पर इस सज्जन ने सरबजीत सिंह ने ठीक 5 बजे जाना, अपना झाड़ू आप बना लिया, तो 7:30 बजे उतों ठीक फतेह बुला देनी, ये मत्था नहीं सी टेकदा। तो बाणी का एक फैसला है, महाराज कहिंदे साचा नावण गुर की सेवा, मत्थे नाल भी सब कुछ नहीं जे मिलता। साहिबाणी अंदर फरमान करते हैं, महाराज कहिंदे सीस नवाए क्या थीए जद रिदे कसुदा जाए। महाराज कहिंदे सीस नवाया भी कुछ नहीं जे लभना जे हिरदा शुद्ध नहीं हैगा। इन्हें वो सेवा दे धारनी बने, उतों मेरा संबंध बनया। 3.5 साल मैं गुरु की हजूरी च खड़ा, एक भी नागा नहीं पाया। तो जिदन नागा पै जाता सी उदन सारा दिन शाम नू अपना शाम नू सारा परिवार लैके जाया करता सी। इन्हें 3.5 साल नागा ना पाया,
तो फिर आप जी ने सारा पता आप समाजिक तौर पर जानते हैं कि ये तो केस कूस भी काफ़ी सीगे वो सारे झड़ते चले गए सेवा कीतियां गुरु की झड़ते चले गए। जिदन यदि कनेडा नू फ्लैट हुई बनूड़ मैं गुरु की हजूरी च खड़ा इन्हें ढाई घंटे जान लग्या उत्थे मेरे को झाड़ू की सेवा करके ढाई घंटे तो 11,000 रुपया मेरी जेब च पा के चला गया। कहिंदा बाबा तेरी लाई हुई जाग ते सेवा दा ही फल है सारा। ये सेवा एक ऐसी चीज़ होया करती है पर जने खने नू नसीब नहीं हुंदी। साहिब बाणी अंदर फरमान कहिंदे ने महाराज कहिंदे सो सेवा करे जिस आप कराए सी। सेवा वह मनुख कर सकता जी तो परमेशर करवावे वरना हुंदी नहीं। मैं अक्सर बेनती करदा पैरी जुत्ती ना होवे तन ते कपड़ा ना होवे तीन टाइम का प्रशादा ना होवे सिर ते छत ना होवे बंदा गुरु दे मार्ग ते तां वी नहीं जे चल सकदा। आम कहिंदे सी मजबूरी नाल गुरद्वारे बंदा जांदा गुरद्वारे बंदा मजबूरी नाल वी नहीं जांदा। चा शौक ते जनून होवे बंदा गुरु दे सेवा दे मार्ग दा पांधी तां बन सकदा है। तो मेरी दूसरी बेनती है गुरमुख प्यारे कह रहे सी सिमरन की गल मैं ये भी बेनती करांगा कि सिमरन भी सच जाने तां हुंदा जे साढ़े बदन दे विचों खुशबू गुणा दी आउंदी होवे। अक्सर आपां समाज विच इक गल बोलदे हां कि फलाना बंदा जदों बोलदा उहदे मुख विचों फुल किरदे ने फिर आपां कहिंदे आ फलाना बंदा जदों बोलदा मूँह चों अग कड़दा है। ये फिर साडे संस्कारां दीआं गल्लां होया करदीआं ने। गुरु पातशाह कृपा करन सतगुर रहमत करन मैं बेनती करांगा कि सिमरन करिए आपां दो तीन मिनट वास्ते ओ सिमरन करिए कि जिहड़ा सिमरन कीतिआं साडे सभनां दे मुख चों फुल किरन ते साडे बदन दे विचों खुशबू आउण लग पवे ते हाजरी सचखंड श्री हजूर साहब की हाजिरी हो जाएगी। गुरु पातशाह कृपा करन करो सिमरन दो तीन मिनट वास्ते जी। सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु करो कृपा सारी संगत सात नाम वाहे गुरु सात नाम वाहे गुरु करो कृपा करो कृपा। सात नाम वाहे गुरु सात नाम वाहे गुरु करो कृपा करो कृपा। सात नाम वाहे गुरु सात नाम वाहे गुरु सात नाम वाहे गुरु सात नाम वाहे गुरु वाहे गुरु सात नाम वाहे गुरु सिमरत शास्त्र वेद पुकारन पोथियां नाम बिन सब कूड़ गाली होछियां। मेरा इस बीबी दे विचरना ते सिर चुकदा जिहड़ी बीबी ने इस घर विच आन के पति दा जीवन बदलिया। सच जाणियो मैं माफ़ी चाहुंना
कि धर्म विहूने बंदे अज नित पचेतां ते समाज च साडे रौले ही रौले ने, किधर तुरे फिरदे आ, पहला आनंद कारज ते फिर रौले तुर पैंदे ने। पर इस बीबी दा जिहड़ा मैं परिवार वेखिया सारा, जदों मैं गुरसिख ते साबत सूरत परिवार वेखिया, आप महारे मैं बच्चियां नूं भी बेनती करांगा ते मेरा भी गुरु दे चरणां ते सिर चुकदा है, मैं दोनों बच्चियां नूं बेनती करांगा कि इन्हां दी तुसीं नानकियां दी छतर छाया दे हेठ रहो, क्योंकि जिहड़े गुण नानके परिवार दे जे बच्चियां ने गुण सिख लए ते गुणवान बन जाणगे। मैनू बच्चे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बच्चों नू बहुत प्यार करदा, मैं इस करके करदा कि साड़ी आने वाली पीढ़ी है गां गुरु नाल जुड़ जाए। कदे किसी ने फकर ते माण कीता कि साढ़े पिंड दे 10 ग्रंथी सिंह ने, साढ़े पिंड दे रागी ने, साढ़े पिंड दे ढाडी ने, कवि ने, कवीशर ने, कार सेवक ने, निहंग सिंह ने, पंजां प्यारियां च ने, IPS अफीसर ने, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई जज है, एडे मान करते हैं। ये मार्ग भी असी चुनने, सानू चुनने चाहिए, सानू ये सेवा दे मार्ग दे पंधी बन लेना चाहिए। मैं माफ़ी चाहना, बड़े प्राउड ते फकर नाल लिखा जाता तखलस गोत नू, असी 12-12 पिंड एक गोत दे होण दा माण करते हैं, पर कदे धर्म दे मार्ग दे पंधी दा भी माण करना चाहिए। सो सतगुर रहमत करन, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धू परिवार गार्डन सिटी तो आए ने, मैं उन्हां दी माता जी दे चरणा च मत्था नहीं टेक सकिया। सिद्धू परिवार आए ने, गुरु साहब ने कृपा की, उस माता नूं 5 लाल बख्शिश किए, 5 हीरे साबत सूरतन गुरसिख ने, उन्हां विच निम्रता दा गुण हैगा। उन्हां दी अरदास होई सी कि माता नूं पातशाह मुक्ति बख्शिश करन, पर मैं अरदास दूसरी तरह करांगा कि धन पातशाह माता उस तरह भैरव मुन्ने जन्म लवे, उस तरह व्याह के उस नगर में आवे, उहदी कुखों फिर 5 पुत जन्म लैन, ते जिहदे विचों 2 समाजिक जीवन जीन ते 3 कौम की सेवा दे मार्ग दे पंधी बन जाण, फिर तुहाडा इस इलाके का जिहड़ा है ना ये विरसा बन जाएगा। मेरे नाल अति सत्कारयोग आए न बाबा निर्मल सिंह जी, जिथे गुरु नानक दे घर की सेवा है, हुण दुनियावी तौर पर मेरी नेड़े दी इन्हां नाल रिश्तेदारी भी निकल आई है, देख लो 9 सालों बाद सानू पता लगा। सो बाबा निर्मल सिंह जी मेरे नाल आए ने, सरपंच साहब बलदेव सिंह जी इस नगर तो बहुत प्यार सत्कार बख्शते हैं, समाजिक तौर पर इन्हां नाल भी मेरिया रिश्तेदारियां रलदियां ने। गुरप्रीत सिंह जी गोबिंदगढ़ तो आए ने, समुची संगत नूं जी आया धन्यवाद। किसी की जान पहचान दे मथाज नहीं है गे। मास्टर बलदेव सिंह जी सिमरू जी नत्तां वाले जिहड़े मैनू कनेडा गया, उन्हां दे जीवन साथी ते मास्टर जी बहुत प्यार सत्कार बख्शिश करदे ने। समुची संगत नूं जी आया धन्नवाद। गुरु पातशाह कृपा करन, सतगुर रहमत करन, सानू धर्म की कमाई दे मार्ग दे पांधी बना देन, ते असी इस मार्ग दे पांधी बन करके लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। गुरु पातशाह कृपा करन, सतगुर रहमत करन। सो नत्तां तो सज्जन कहिंदे ने 2 मिनट उन्होंने कोई अपने विचार रखने ने। मैं समुची संगत नूं बेनती करांगा कि बैठन की कृपालता जरूर करया करो, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह सब कुछ लिखिया है, पर एक चीज़ नहीं जे लिखी, सब कुछ लिखिया है, इहदे विच झूठ नहीं जे लिखिया, सच ही सच लिखिया है। ते हुण तुसीं सच की गोद का आनंद माण रहे हो, 2-4 मिनट वास्ते जरूर आनंद माणियो। दास कन्यो समुची संगत नूं जी आया, ते आप जी का जपया होया नाम गुरु साहब थाएं पाउन, ते पिछे बच्चियां ते मेहर भरिया हथ रखन, उस बीबी दे जीवन उस सज्जन दे जीवन साथी नूं गुरु पातशाह होर कृपा करन, सतगुर रहमत करन, निम्रता दे धारनी होण, बच्चियां नूं गुरसिखी दी लैन च बनाई रखन। सो लवावो हाजरी ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।